नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। दर्श न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास पेशकश में हम सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर लाते हैं, उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खूब खाली पद हैं। अलग अलग विभागों में कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर क्लर्क, सहायक स्तर तृतीय के साथ ही टंकक यानी टाइपराइटर के कुल 5,512 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसमें सामान्य चयन के कुल 3,768 और 63 विशेष यानी कुल 3,831 पदों के साथ अब कनिष्ठ सहायक या टंकक कम कनिष्ठ लिपिक के 1,681 पदों को भी शामिल कर लिया गया है। इन पदों में 1,518 पद सामान्य चयन और 163 पद विशेष चयन के हैं। इन पदों में 5,286 पद सामान्य चयन के और 226 पद विशेष चयन के होंगे। यह जानकारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने दी है। उन्होंने बताया कि इन पदों पर चयन के लिए 12 सितंबर को आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर तय की गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर तय की गई है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्व में आयोग के 4 अगस्त 2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा/2023 के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा पूर्व में जमा किया गया आवेदन ही इन रिक्तियों के लिए भी मान्य होगा। तो दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।